अब हम स्प्लिट का एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। तो स्प्लिट का एंट्री करने के लिए वाउचर्स में जाना है, फिर ऑल्टर F7 बटन प्रेस करना है, या तो यहाँ पे ये F7 जर्नल में जो साइड में एरो है उसको क्लिक करके ये स्टॉक जर्नल वाला बटन क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्प्लिट वाला वाउचर टाइप आपको सिलेक्ट करना है। जिस डेट को आपका स्प्लिट हुआ है एंट्री करने का वो डेट आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कीजिए, सपोज SBI बैंक मेरा स्प्लिट होके मुझे उसमें स्प्लिटिंग हुआ है तो मैं वो आइटम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लॉट सिलेक्ट कीजिए, सपोज ये जो 1/4/2023 वाला लॉट है, ठीक है ना, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। परचेज डेट 1/4/2023 की थी, ठीक है, 200 क्वांटिटी थी और उसका ना 360 रुपया उसका रेट था, ठीक है। तो अब ये मेरा जो भी स्प्लिट होके जितना क्वांटिटी होता है वो मुझे लिखना है, यानी स्प्लिट होके अब ये 200 की जगह 400 क्वांटिटी हो रहा है तो मैं यहाँ पे 400 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि ये जो 200 क्वांटिटी 360 रुपये का उसका परचेस रेट था, तो जो 72,000 का वो मेरे पास वो स्टॉक था, ठीक है। अब उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे एंटर करके मैं राइट साइड आ रहा हूँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन साइड में एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे ये ना बाय डिफॉल्ट SP वाला लॉट जनरेट हो जाएगा, जिसका भी जो डेट है तो वही रहेगा 1/4/2023। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ओनली एंटर करना है। देखिए अब यहाँ पे ये 400 क्वांटिटी आ गया और 72,000 उसका अमाउंट आ गया, यानी अब पर पीस आपका 180 रुपया रेट उसका हो गया, ठीक है। वो सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेगा, आपको खाली एंटर एंटर मार के उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्प्लिट का एंट्री करना है। थैंक यू सर।